सब्सक्राइब टू माई चैनल लविष्का जैन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स. स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे. तो सबसे पहले तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. परसों मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स थे एंड अब 565 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. एंड यस यार, वीडियो को और शेयर करो. एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो. एंड बस, सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है. बट इफ आपने इसको परचेस कर लिया है, ड्राई स्किन है आपकी, तो मैं अभी बताऊंगी कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं. देन इसकी प्राइस है 525. प्राइस थोड़ी सी मतलब कॉस्टली है, बट मतलब अच्छा है प्रोडक्ट इस प्राइस के लिए. एंड आपको इस प्राइस में मिलता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड इसमें मतलब ज़्यादा शेड्स नहीं है. मेरा शेड है 310 सन बेज. बट ये जो मेरा शेड है, मेरी स्किन से एक शेड डार्कर आ गया है. बट मतलब इट्स ओके फॉर मी, मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग इज़ क्वाइट नाइस, बट इसमें एक चीज़ बहुत बेकार है कि इसमें पंप नहीं है. जस्ट आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा. मतलब अगर कोई मुझ जैसा हो तो फैला दे बहुत सारा. आई मीन इट्स ओके, इट्स नॉट दैट गुड. एंड थर्ड थिंग कि जो उसकी स्मेल है वो थोड़ी सी अल्कोहलिक है. बट आई मीन लगाने के बाद कुछ नहीं पता पड़ता, अगर आप ऐसे स्मेल करेंगे तो ज़रूर पता पड़ेगा. सो एप्लीकेशन में जाने से पहले लेट मी शो यू द डेमो ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन काफ़ी ईजी है. जस्ट आपको इसको अपने हाथ पे लेना है एंड फेस पर डॉट 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 करके लगाना है. एंड इसको ब्लेंड करने के लिए, स्किन में ब्लेंड करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए. ये ईजिली हाथ से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. एंड द टेक्स्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग. आई मीन येस, इट्स अमेजिंग. अगर आप इसके 2 से 3 कोट भी लगा लेंगे ना इस फाउंडेशन की, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होगा. आपको फील ही नहीं होगा कि आपके फेस पे आपने कोई भी फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है. ये प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जस्ट फॉर 5 to 6 hours. एंड 5 to 6 hours के बाद जो आपकी स्किन है वो ऑयली होने लगेगी. एंड आई मीन यस, जस्ट फॉर 5 to 6 hours. जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. बट इफ़ आपकी ड्राई स्किन है एंड इफ आपने इसको परचेस कर लिया है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको ब्यूटी ब्लेंडर में ज़रा, या तो आप इसको पानी से भी वेट कर सकते हैं या फिर आप फेस में यूज़ कर सकते हैं. फेस में ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इसको घर पे बना सकते हैं. आपको फेस में ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करना है, देन आपको फाउंडेशन अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है. वो भी अच्छा काम करेगा इफ़ आपकी ड्राई स्किन है तो. एंड यस, इफ अगर आप बिगनर हैं एंड आपको बहुत ही लाइट कवरेज का फाउंडेशन चाहिए एंड ये वेट में भी काफ़ी लाइट है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट सच फाउंडेशन, डेफिनेटली आप इसको परचेस कीजिए. एंड येस, दैट्स इट. आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो. इफ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने ओपिनियंस भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपके ओपिनियंस हो इस फाउंडेशन को लेके. सो इज दैट्स इट. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.